अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना ख्वाजा बायात और आप मुझे देख सकेंगे रिवाइंड विद समीना पीरजादा में। और अगर आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टू दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग द शो। पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत आई थिंक कल्मिनेट कर गई शादी में। कोई टीनेज रोमांस, कोई क्रश? मुझे कभी कोई पसंद नहीं आया। हाँ, एक जमाने में जैसे जैकी श्रॉफ पसंद आ गए थे। रियली? हीरो देखी थी। हाँ, स्कूल के जमाने में इंडिया गए थे और वो रात को जयपुर में सब कुछ देख लिए, सारे महल देख लिए, रात में क्या करें, फिल्म देखने चलते हैं। तो एक ही फिल्म लगी हुई थी जिसका हीरो भी नया था, हीरोइन भी नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, फिल्म देख कर निकले तो आई हैड स्टार्स इन माई आईज। और उसका आई थिंक उसकी एक वजह वो रेशमा जी का लंबी जुदाई और उसकी बांसुरी थी। एंड आसिफ साहब पे बहुत एक जमाने में क्रश हो गया था, आसिफ रजा मीर पर। सो आई इवन शेयर्ड इट विद हिम। आसिफ साहब, आई कांट बिलीव इट, कहने कि अब मैं का नहीं, अब नहीं है, ख़त्म हो गया। वो जमाना और था। बट अदरवाइज मुझे आई वॉजन्ट वन ऑफ दोज पीपल, यू नो, मुझे सब घर में छेड़ा करते थे। आई एम रियली रिवाइंडिंग। किसी को खत नहीं लिखे खुशबू? नहीं नहीं, मुझे इश्क होता था पता है किससे? ज़िया मोहिद्दीन साहब की आवाज़ से। हाँ, उनकी आवाज़ में है वो। तल्लत साहब की आवाज़ से। इवन तल्लत साहब की आवाज़ में भी एक है, है राहत साहब की आवाज़, असलम अजहर साहब की। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। और सब मुझे घर में छेड़ते थे कि लड़कियों को यू नो हीरो से इश्क होता है, उसको बूढ़े लोगों की आवाज़ों से इश्क होता है। सो आई वॉज आई डोंट नो आई नेवर हैड दैट, क्योंकि इन सब की आवाज़ों में एक जर्नी है, वो जो जिंदगी उन्होंने जी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, बिकॉज ये ऑर्डनरी लाइव्स नहीं है ना, ऑर्डनरी लाइव्स नहीं, जिनकी ऑर्डनरी लोग नहीं है, ये ऑर्डनरी लोग नहीं है। और उसके बाद दैट्स व्हाट यू गॉट अट्रैक्टेड टू, इवन शफी मोहम्मद साहब, माय गॉड, उसकी बड़ी बड़ी यूनिक आवाज, यूनिक आवाज थी, एक खींचती थी आपको। उसके बाद मुझे मतलब मोहब्बत वहाँ हुई जहाँ मुझे मेरी दोस्ती हो गई, एंड आई एम सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कितना भी शुक्र करूंगा मैं कि आई मैरिड माय सोलमेट। सोलमेट कहाँ मिला था? यू रॉजर बताऊं कहाँ? डांस करते हुए। माय अल्टीमेट लव वाज डांसिंग, माय फर्स्ट लव वाज डांसिंग। और वो एक दोस्त की शादी थी, कितनी कन्वेंशनल बात है ना कि ढोलकी में नाचते नाचते हमें प्यार हो गया, दोस्ती हो गई। और उसके बाद पता नहीं वो दोस्ती फिर वो एक पानी की तरह बहती गई बहती गई। एंड वन डे वी रियलाइज्ड कि जिंदगी में यू नो इश्क मोहब्बत तो सारी बातें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको एक कंपेनियन चाहिए जिसके साथ आप बुरे हालात में भी अगर इकट्ठे बैठकर हंस सकें तो और क्या चाहिए, और गा सकें और नाच सकें, नाच सकें और गा सकें। और मैं आपको बताऊँ, इवन एज रिसेंट एज लास्ट समर वी डांस्ड इन द मिडल ऑफ पियाजा इन रोम। कोई वो स्ट्रीट म्यूजिशियंस थे और वो हम वहाँ खाना खा रहे थे एंड द म्यूजिक वाज ब्यूटीफुल। तो पहले मैं और मेरी बहन उठे, देन माय हस्बैंड जॉइंड अस एंड वी डांस्ड इन द पियाजा। एंड हु प्रपोज्ड? रॉजर। अच्छा, यदि मैं कोई ओकेजन बना, ही एम्बैरेस्ड मी, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। अच्छा। मुझे उस वक्त तक समझ में नहीं आई थी कि ये कहाँ जा रही है कहानी। एंड ही शोड अप ऑन माई बर्थडे एट मिडनाइट विद अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स। लेकिन मेरी जिंदगी के हर साल के लिए एक इंडिविजुअली पैक्ड गिफ्ट था, फॉर ऑल दोज इयर्स ऑफ माई लाइफ दैट ही हैडंट नोन मी। वाओ, सो थॉटफुल। बोथ माई पेरेंट्स लुक्ड एट मी एंड सेड, ये क्या हो रहा है? एंड आई वाज लाइक, आई स्वेयर आई डोंट नो। फिर मेरी लड़ाई भी हुई कि क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है, यू नो, आई एम सो एम्बैरेस्ड। बट ही सेड दैट, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू मेक अप फॉर एवरी ईयर दैट आई वाजंट देयर। वाओ, सच अ रोमांटिक। ही इज अ रोमांटिक, ही फ्लोर्ड यू कम्प्लीटली। सोचने ही नहीं दिया कि हाँ कहूँ या ना कहूँ। नहीं, उससे पहले सबको शीशे में उतार लिया था। अम्मी फिदा, अब्बू फिदा, बहने फिदा। ही हैज दैट स्माइल ना, सो द डिंपल्स गॉट मी। So, how many blissful years now? MashaAllah, it's been 27 years. Wow. MashaAllah. Do you guys ever fight? All the time. In fact, sab sherte, tum log behan bhaiyo ke saath kyun ladte ho?
होती हैं लड़ाइयाँ, वॉलेटाइल किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं, बिकॉज ही इज़ अ स्कॉर्पियो, आई एम अ वर्गो, तो काफ़ी फ़र्क भी है हमारी सोच में कई दफ़ा, कैसी होती है लड़ाई? लेकिन वो कहते ना, वो दूध का उबाल होते हैं। अच्छा, वो तो क्या पॉलिटिक्स के ऊपर होती है लड़ाई या पॉलिटिक्स पे भी हो जाती है? ही हैज़ अ वेरी जेनरस हार्ट जिया, इतना बड़ा दिल है कि एज माई फादर इन लॉ ब्लेस हिज हार्ट, वो मुझे कहते थे कि जॉइंट अकाउंट मत रखो मेरे बेटे के साथ, वो अपने पैसे भी खर्च देगा और तुम्हारे भी, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। सो आई हैव टू रेन हिम इन। तो हमारी इस तरह की सिली सिली बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन फिर वो मनाता कौन है? जिसकी भी गलती होती है। अच्छा, हम दोनों में एक चीज़ बहुत, अच्छा, ईगो नहीं पता चल जाता है कि किसकी गलती थी, वो खुद ही पता, सबको पता होता है। कोई अंधा होगा कल का जिसको नहीं पता होता। अच्छा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप अनइंटेंशनली कर जाते हैं, सो आई विल से आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। अच्छा, एंड आई डोंट थिंक हमने कभी ईगो इशू नहीं बनाया। लंबी, कितनी लंबी लड़ाई रही है? सबसे लंबी, सबसे लंबी हनीमून पे थी। नो, शादी वाली रात लड़ाई हो गई थी। एंड लास्टेड फॉर, और हमें ये लगा कि उफ, नहीं शादी वाली रात नहीं, मतलब एक दिन के बाद। एंड हम अपनी हनीमून पे जा रहे थे और हमने सोचा कि ये हमने क्या कर दिया, वी हैव मेस्ड अप, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई जिंदगी में, और अब हम कैसे बताएंगे। मैं कहा मैं तो नहीं बता रही अम्मी अबू को इस वक्त, क्योंकि सब मेहमान आए हुए, पूरी दुनिया से लोग आए हुए, आई कांट टेल माय पेरेंट्स राइट नाउ। एंड ही सेड आई कांट टेल माय पेरेंट्स राइट नाउ, यू गाइस हैड कोल्ड फीट आफ्टर गेटिंग मैरिड। सो ही एक्चुअली सेड कि अब क्या करें, एंड हिज फादर वाज, ही हैज अ फैमिली इन साउथ अफ्रीका एंड वी वर गोइंग देयर, एंड ही सेड द डैड्स हैविंग अ रिसेप्शन फॉर अस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले जाते हैं, रिसेप्शन के बाद आकर बता देंगे। सो हम चले गए दुबई तक, हमने दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि हम नाराज थे एक दूसरे से। तो किस बात पे नाराज हो गए? याद भी नहीं अब मुझे। आई एम श्योर ये होगा कि इतना भारी बैग लेके क्यों जा रही हूँ। नहीं पता नहीं किस बात पे लड़ाई हुई, बहुत बुरी लड़ाई। ज्यादा कपड़े कौन लेके जाता है? रोजर, जूते एंड कपड़े, एक्सेस बैगेज मेरा नहीं होता। आई नो इट, इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्योंकि मेरा बैग हल्का होता है, उस बात का बैग। आई पर ही स्नीकिंग थिंग्स इन माय बैग आल्सो। तो वो हमारी लड़ाई हुई, दुबई तक हमने बातचीत नहीं की, और दुबई में मेरी बहन थी, उनके इन-लॉज थे, तो वहाँ हमें थोड़ा सा प्रिटेंड करना पड़ा कि मतलब नई नई शादी हुई थी, वी हैड टू प्रिटेंड कि वी वर ओके, तो उनके सामने प्रिटेंड किया, फिर होटल में आके फिर बातचीत बंद। फिर वहाँ से हम सेशेल्स पहुँचे, सेशेल्स इतना खूबसूरत था कि बात करनी पड़ी। फिर उसके बाद हम मॉरिशस पहुँचे, फिर हमने कहा हॉलीडे तो इन्जॉय कर लें, इतनी खूबसूरत जगह है। तो फिर क्या किया था? देखो वो कितनी अच्छी चीज़ है, और फिर कहा कि मैं तो नहीं बात नहीं। फिर हमने बिल्कुल दोस्ती वोस्ती कर ली, हमने कहा घर जाके लड़ेंगे, इट्स ऑल वेल एंड गुड। और बाय द टाइम वी वेंट होम, वी रियलाइज कि व्हाट इडियट्स, थैंक गॉड वी केम ऑन दिस हनीमून। नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दैट कुड बी सो इरिटेटिंग, अगर आप इतना बड़ा बैग लेके जा रहे हो। नहीं नहीं, पैकिंग पे लड़ाई नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे हुई थी, मगर बहुत स्टूपिड सी कोई लड़ाई थी। यही होगी कि इतने जूते किस काम के, कहा कि ये तो व्हाई आर यू टेकिंग सो मेनी शूज, नो नो आई कैरी द शूज टू, इज यू लाइक इट, शू फेटिश तो दोनों को है बराबर का। अच्छा, अब किसकी बड़ी है कबर्ड? बराबर की है ना, अकेले में। देखिए बीइंग एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर पेज ऑफ, क्योंकि सारी कबर्ड्स मैंने खुद डिजाइन की है। Yes, I did. For how many years? For quite a few years. अच्छा। वो पैरेलल भी चलता रहा। अब कहाँ गया वो बेचारा? वो बेचारा पैकअप हो गया, क्योंकि वो फिर मैं कर नहीं सकी, क्योंकि या तो टेलीविजन कर लेती। एक्चुअली जब मैं एज अ प्रोड्यूसर एंड एन एंकर जब प्रोग्राम में इतनी इन्वॉल्व हो गई, और फिर वो रियल लाइफ इशूज और रियल लोग और बहुत डिफिकल्ट किस्म की प्रोग्रामिंग शुरू की, तो फिर फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइन करने का वक्त नहीं रहा था। नहीं, वो बहुत डिमांडिंग है, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज एंड स्पेशली जहाँ इंसान बहुत तकलीफ में हो, और जहाँ रियल लोग हों, जहाँ आपने उनको साथ साथ काउंसलिंग भी करनी है, संभालना भी है, यू नो इट वाजंट एन इजी रोड, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल। डिड यू टेक सम स्टोरीज विद यू, घर लेके जाते थे कोई दुख कोई गम? एक particular instance I know I'll never forget. मुझे किसी ने ख़त लिखा जो कि मुझे जियो के ऑफिस में हैंड डिलीवर हुआ। इट जस्ट सेड जियो कराची जंग बिल्डिंग, दैट्स इट। और वो ख़त किसी लड़की का था जिसने, जो मुझे उसके लिखने से अंदाज़ा हुआ कि वो इंटीरियर सिंध में कहीं थी, और उसे सिर्फ जैसे आप कागज़ में कापी में से कागज़ फाड़ के जल्दी से लिखते हैं ना कि मुझे बचा लें।
उसको घर वालों ने, फैमिली ने चेन्स में बांध कर रखा हुआ था. शी वॉज बींग असोल्टेड बाई हर फैमिली एवरी सिंगल डे, बींग सेक्शुअली असोल्टेड, एंड शी जस्ट सेड मुझे बचा ले. डिड यू फाइंड हर? आई नेवर फाउंड हर. आई सेड इट ऑन द शो कि जिसने भी ये खत लिखा है प्लीज मुझे कोई पता, कोई नंबर, कोई एक फोन नंबर लिख देती, मैं ट्रेस कर लेती. मुझे क्या पता ये खत कहाँ से आए. एंड आई रिमेंबर दैट नाइट व्हेन आई वेंट होम आई क्राइड अ लॉट एंड आई सेड आई कांट डू दिस एनीमोर, आई जस्ट कैन नॉट. तो क्योंकि आप हेल्पलेस हो ना, आप हाउ डू यू हेल्प, हाउ डू यू हेल्प, है ना. एंड यू फील समबडी somebody trusted you enough to मैंने लिखा उसने, मैंने कहा मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, दिस इज़ नॉट, आई जस्ट कॉन्ट टेक दैट प्रेशर एनी मोर. तो माई बेस्ट फ्रेंड माई हजबेंड ही सेड कि तुम किसी एक को हेल्प नहीं कर सकोगी, लेकिन तुम इस तरह की और कितनी लड़कियों को हेल्प करोगी. यू वॉन्ट टू गिव दैट अप फॉर दैट वन दैट यू कुडंट हेल्प. सो That gave me my strength, and I said okay. So I went back to it. So, आपके अब्बू, did you share it with him and your mother? My father unfortunately passed away much earlier in my television career. Really, he never saw you? He did see bits of Uljan Suljan. शुरू के दिनों में. हाँ. It was very early, और मुझे याद है कि वो मेरा कॉलम बहुत शौक से पढ़ते थे. और मुझे क्रिटिक भी करते थे, मुझे बताते भी थे कि ये जो तुमने ऐसे लिखा अच्छा लिखा, या ये कि तुमने ये सोचा, हाउ अबाउट दिस. बट ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी ऑफ बीइंग ऑन टेलीविजन, बीइंग अ रेगुलर फादर. मुझे याद है कि मुझे स्कूल कॉलेज के ज़माने में वो एक जैसे होता ना कि आपको एक हमेशा रेक्सोना या कपरी के एड्स के लिए कोई आता था रेकी करने और आप कर लें वो, तो अब वुड ऑलवेज से नो. लेकिन जहाँ कोई फंडरेजर होता था किडनी सेंटर का या SIUT का, तो अब्बू कहते थे हाँ कर लो मॉडलिंग. तो मैंने कहा अब्बू आप ऐसे नहीं बनाने देते, चैरिटीज़ के लिए कहते हैं कर लो. तो ही लाफ्ड, ही सर कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता. हाँ एक्चुअली दैट्स नॉट बीइंग वेरी, आई थिंक इट्स बीइंग प्रोटेक्टिव. एंड ही जस्ट सेड, ही सेड अच्छा. तो वन डे आई आस्क्ड हिम आफ्टर आई वाज मैरिड, माई एंटायर टेलीविजन करियर वॉज आफ्टर आई वॉज मैरिड, बिकॉज रॉजर वॉज पुशिंग इट एंड सेड वाई नॉट. तो मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बू आपको क्या अच्छा नहीं लगता? कहने लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी की तस्वीर कहीं लगी और लोग उस पर बुरी नजर डालें. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड अब्बू आई प्रॉमिस यू वन थिंग, ये नहीं होगा. सो मुझे लगता है कि आज भी आई मीन ही इज नॉट देयर, बट दैट्स माई प्रॉमिस अब्बू. आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि ऐसा क्या करें, शर्मिंदा होना पड़े. ऐसा क्या करें हम लोग कि हमारे माँ बाप शर्मिंदा ना हो, हमारा माशरा क्या, ऐसी क्या चीज़ आप चाहोगे कि जहाँ पर हम ख़वातीन सेफ हों टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस आर सेल्फ. आई थिंक रिस्पेक्ट. मैंने सारी ज़िंदगी ये देखा कि मेरे अबू ने कभी मेरी अम्मी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की. मैंने कभी नहीं देखा कि अम्मी ने उनसे ऊंची आवाज में बात की. लड़ते तो होंगे आई एम श्योर, लेकिन इज्जत और दूसरे की इज्जत नफ्स बरकरार रहे, ये अगर आप कर जाएं तो आप माशरा बदल सकते हैं. क्योंकि अगर आप किसी की इज्जत करते हैं तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तो वो जो आई थिंक माशरा मैं देखना चाहती हूँ या आप देखना चाहती हैं कि जहाँ पर ख़वातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, वो एक सिक्योर तहफ़्फ़ुज़ भरे माहौल में निकल सकें. मुझे अपना बचपन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अगर हम पार्क में खेलने भी जाते थे तो पार्क का चौकीदार कहता था बेटा उधर नहीं जाना, यहाँ सामने खेलो, कोने में नहीं जाना. वो मोहल्ले के भी जो आपके लोग होते थे ना, वो प्रोटेक्टिव होते थे आपके बारे में, क्योंकि बच्चियाँ और बच्चे सांझे थे ना. और हमें ये कहा जाता था कि आपके घर के मुलाजिम है या वो पार्क का चौकीदार है या स्कूल का चौकीदार है बेटा, हम उन्हें बाबा और अम्मा कह के बात करते थे, आप बदतमीजी नहीं कर सकते थे उनसे. आज अनफॉर्चुनेटली जी हाँ, मैं देखती हूँ कि इवन बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं,
वो मैं उन्हें बच्चे ही कहूँगी, अगर कोई आपको चाय सर्व कर रहा है या कोई आपके कपड़े इस्ते कर रहा है, आपका बनता नहीं उनसे बदतमीजी करना, आप क्यों बदतमीजी करें? एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि इज्जत सबकी होती है, छोटे बच्चे की भी होती है. मुझे नहीं याद कि हमारे घर में कभी अब्बू ने मुझे यूं कहा है ना यहाँ आओ, नहीं, बुढ़ापे से बीबी बात सुन. सो दैट आई लव दिस वर्ड बीबी, आई थिंक इट्स सो प्रिटी. आप बच्चे के लिए इस्तेमाल करें, बड़े के लिए इस्तेमाल करें, इतनी इज्जत है, इतना प्यार है इस एक लफ्ज़ में. तो आई थिंक दैट्स इट, द की इज रिस्पेक्ट. तो ये याद रखना कि मुझे अम्मी से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा. अब्बू का क्या, अब्बू की क्या बात याद है जो विच कीप्स यू गोइंग? जैसे आपने कहा कि ही टोल्ड यू कि देन यू प्रॉमिस्ड हिम, यू प्रॉमिस्ड हिम कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी. हिज ट्रस्ट, ही ट्रस्टेड अस एज डॉटर्स एंड एज अ वाइफ विद अम्मी एज वेल. अब्बू ट्रस्टेड अस. और आई रिमेंबर व्हेन आई टर्न 16 तो अम्मी ने मुझे एक बात कही थी जो मेरे दिल और दिमाग दोनों में आज तक है. वो कहने लगी कि हमने बेटा जो आपको देना था ना दे दिया. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी गोइंग टू कॉलेज, यू विल बी गोइंग अहेड इन लाइफ. अब जहाँ भी जाओ जो भी करो, बस ये याद रखना कि कभी भी देयर इज डाउट, तो ये याद रखना कि मुझे अम्मी से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा या अब्बू इस बात से शर्मिंदा तो नहीं होंगे. सो अगर वो काम आपको लगे ना कि हाँ नहीं मैं अम्मी को नहीं बता सकती या अब्बू शर्मिंदा होंगे, फिर मत करना, बस छोड़ देना. दैट इज़ योर लिटमस टेस्ट एंड आई थिंक दैट इज ट्रू इवन टुडे. दे आर बोथ गॉन. वर यू देयर holding your dad's Abbu passed away? I wasn't. You were not there? I was not there, but it was a beautiful day. It was 27 Rajab and I last spoke to Abbu at Fajr. And where were you? I was in Karachi, he was in Lahore. And I remember when I was just baat baat karke jab main phone band karne lagi to unhone actually mera koi column chhapa tha uske bare mein mujhe kuch keh bhi rahe the. And then he suddenly said, beta, and I said, ji. He said, I love you. And I remember my heart stopped for a second because Abbu was not that kind of a father jo is tarah ki baatein lafzon mein kehte hain. Wo pyar bhi karte the na, to wo bas yun gently baat karte the. So he said, I said, I love you too, Abbu. And I don't think I'd ever really said it to him. And then by Asar, we get a call that he's gone. He was fine. And with Ammi, I met her in the morning. And she just asked me, ke, kab tak aa jaogi? And I said, no, 9:30 tak aa jaungi. She went through her day. She was with me in Karachi. Oh, she was with you in Karachi. And she, she did a few strange things that day, which I was told later. Strange इसलिए कि वो ऐसी चीज़ें ना करती, नहीं करती थी. But she did them, and I think she knew. So she asked me, and I said 9:30, और मैं चली गई और मैं शूट से वापस आई, and she was going to wash her hands, खाना खाकर उठी थी, and I just went in a room and I said, आप, you know, मैं आ गई हूँ, I gave her a hug, and she said, आप कहाँ जा रही हैं? हाथ धोने जा रही हैं. And then she just stood there and she just looked at me and I said, "Toh chale." And she felt she couldn't walk. She had a stroke. No. I believe. अब मुझे ये सब ने कहा कि शायद वो यही होता है कि पहले जान कदमों से निकलती है. But till her last breath, that 45 minutes, we even took her to the hospital. वो मुझे throughout बात करती गई. और उनको मैं कह रही थी, मैं आपको क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है? नहीं. आपको सांस सही नहीं आ रहा? जी सर नहीं. मैं सर आपको क्या हो रहा है? जी सर पता नहीं. बट शी वॉज कोहेरेंट
And the last thing that I saw her do was that she just looked up and she had a faint smile and she just closed her eyes. And her hand dropped and I thought she fainted. She was gone. I mean, as... It's amazing. You know, I think people are blessed who go that way. You know, because it's such an amazing way to go. Either you are there and you talk to your children and then quietly you just go away. I think they were both beautiful souls. अब्बू के जाने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने कितने साल पूरा एक ग्रुप आया था ऑफ लेडीज़ फ्रॉम पिंडी हु टोल्ड माई मदर कि अब मैं नहीं जानती लेकिन हमारे मियाँ प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और आपके मियाँ ने कितने साल हमारे राशन कार्ड बनवाने से लेकर हमारे बच्चों की स्कूल की एडमिशन्स तक करवाई हैं हमारे लिए वो हमारे बाप थे भाई थे हमारा कोई रिश्ता नहीं था अम्मी ने बनी अम्मी ने बनी और अम्मी के जाने के बाद मुझे स्ट्रेंजर्स ने पकड़ कर कहा है कि यू नो वी कांट इवन एक्सप्लेन व्हाट शी मेंट टू अस एंड आई एम लाइक आप हैं कौन तो मुझे नहीं पता वो क्या करते थे बट दे वर टू ब्यूटिफुल सोल्स who made a difference in people's lives. Shayad isliye mere andar bhi shayad ek wo hai urge hai ya yearning hai to make a difference in somebody's life. Because I saw my parents do that. And Allah Ta'ala ne, main aaj bhi dua mangti hu to main ye kehti hu ki Allah Mia wo jo kehte hai na ki rooh nikalne ki kaziyat hoti hai. Us cheez se hame mehfooz rakhna. I don't want to You know, make it easy. Make it easy. Make it easy. You know, जो कब्र में जाने का एक इत्तेफाक तो मुझे हो चुका है. I did a character जिसमें मेरे character को जिंदा दफनाया गया था. और मुझे उस सीन में तकरीबन 45 मिनट उस कब्र में रहना पड़ा खामोशी के साथ क्योंकि वो अजान शुरू हो गई. तो उस कब्र में खड़े हुए उस कब्रिस्तान में खामोशी से क्योंकि बार बार निकलना और अंदर जाना और बाहर आना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी तो मुझे बहुत कुछ सोचने का और बहुत कुछ देखने का मौका मिला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद मैंने ज़मीन की सतह पे नहीं देखी पहले कुछ बहुत खूबसूरत कुछ बहुत ग्रोटेस्क तो मुझे वहाँ खड़े खड़े मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी स्क्रीन में सो जाती थी छिपकली देख कर वहाँ कोने में मैं चीखें मारती हूँ तो जब मैं कब्र में होंगी तो क्या मुझे एहसास होगा किसी चीज़ का इन सब चीज़ों का जो मुझे नज़र आ रही है क्या मैं प्रोटेस्ट कर सकूंगी क्या मैं चिल्ला सकूंगी चीख सकूंगी या क्या यही वो अजाब है जिसके बारे में लोग बात करते हैं तो मैंने उस दिन इतना सोचा कि टू सम एक्सटेंट मुझे वो जो एक फेयर था शायद वो निकल गया और अब मैं यही दुआ करती हूँ कि यू नो जितनी भी ज़िंदगी है जो भी है वो ऐसे गुजर जाए कि जब जाने का वक्त आए तो वो जाने की तकलीफ से भी अल्लाह बचा ले और आगे भी जो है ना मंजिलें आसान कर दे एंड आई हैव सीन कि जो अच्छे सोल्स होते हैं ना जो अच्छे लोग होते हैं जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उनको अल्लाह ताला आसानी से ले जाता है बट कभी सोचते हो कि ये क्या है मौत क्या चीज़ है ट्रांजिशन है अच्छा आप ज़िंदगी के एक फेज़ में से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं आप एक्चुअली अपनी असल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं ना ये तो इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन तो जब मंजिल वो है तो रास्ते से तो गुजरना है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है नहीं है ज़िंदगी क्या है फिर रास्ता और वो मंजिल मौत मंजिल है नहीं मौत आई थिंक वो दरवाज़ा है जो आपको उस मंजिल में दाखिल करने के लिए खोला जाता है क्योंकि लाइक दिस अ क्रॉसओवर यस इट्स अ ट्रांजिशन ट्रांजिशन आप आई थिंक वो जो आपका सेल क्रिएट हुआ था कितने करोड़ों साल पहले हम सब उसका हिस्सा है ना किसी हद तक
that DNA is still there. Yeah. तो वो सेल जो है वो इतना फैल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उसको शायद फिर से यकजा होना है. मैं कब तो अजीब सी बात, जब मैं हज के लिए गई तो मुझे वहाँ लोगों ने भोलपन में एक बच्ची ने teens, मुझे कहा कि सब कहते हैं कि यहाँ कैसे जमा होंगे हम सारी खलकत, सारी दुनिया के लोग जो सारे मतलब करोड़ों साल से होंगे, वो एक अरफात के मैदान में कैसे इकट्ठे होंगे. सो आई थॉट कि दैट्स अ क्वेश्चन, तो क्या ये मैदान इतना वसी हो जाएगा और फैल जाएगा कि सब समा जाए, या शायद वो सारे सेल्स एक साथ जमा हो जाए तो यहां समा जाए. एक सिंगल सेल मल्टीप्लाई हुआ, फिर उससे मल्टीप्लाई, आई थिंक क्रेजी, इट केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग इनटू बिलियंस ऑफ फ्रैक्शंस. सो मेबी इट विल ऑल कम बैक टुगेदर. या आई डोंट नो, आई थिंक क्रेजी थॉट्स समटाइम्स. या नो नो, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं अबाउट अर्थ एंड यू नो के अर्थ का क्या है, किस तरह वजूद में आई, वो सारी बातें, तो वो यही होता है ना, वो जाके आप देखते हैं वो अजीब व गरीब सी एक अंदर ज़मीन के अंदर एक जगह है जो गार है, और वहाँ से वो लावा सा है, उसमें सेल्स हैं, यू नो, वो आप देखते हैं. और आप देखिए कनेक्शंस, लाइक एज ह्यूमन बीइंग्स हम पानी से भी रिएक्ट करते हैं, हम चांद की तरफ भी रिएक्ट करते हैं. आई फील विद माई सिस्टर्स, मुझे लगता है कि अगर एक अमेरिका में है, एक लंदन में है, एक लाहौर में है, कराची में है, लेकिन एट सम लेवल अगर एक को तकलीफ होती है, दूसरों को कुछ फील होता है. वी नॉट ट्विन्स, वी नॉट ट्रिपलेट्स. मुझे याद है तो मैं बहुत परेशान थी और मैं उठी नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरे फ़ोन पे वो मैसेज आया, एंड माय सिस्टर हु वाज इन लाहौर मैसेज मी सेइंग कि आई गॉट अप फॉर फजर एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करी थी कि जो भी मुश्किल है वो आसान हो जाए. एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड, सो आई डोंट नो हाउ शी फेल्ट इट or what she felt. So, I don't know, these connections are there. But there aise bhi to hota hai na ki kabhi aap kisi se milte hain aur wo bilkul anjaan kisi aur khitte ka wo shakhs hota hai, wo hai na ek mera shauhar anjaan shakhs hai khitte ka, and then you said oh my god, hai na. I mean he मतलब मैं हमेशा कहती हूँ पता नहीं लोग कैसे अंग्रेज़ों से शादियाँ कर लेते हैं, कितना कल्चरल डिफरेंस होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी. पर देन आई रियलाइज़ कि नहीं, कल्चरल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जब आपकी वैल्यूज़ एक जैसी होती है ना, आपकी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ अगर एक जैसी होती हैं, तो देन यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू आर मेंट टू बी टुगेदर. सो आई एम ब्लेस्ड, आई कांट कंप्लेन. अभी भी डांस करते हो? बहुत. अकेले? अकेले, पागलों की तरह है, आईने के सामने. दैट्स द ओनली टाइम आई लुक इन द मिरर. क्या पोस्चर ख़राब हो गया ना, अब मोटापा छा गया, इसलिए अब नॉट एज लाइट ऑन माई फीट एनी मोर. बट यस, आई एंजॉय डांसिंग यू टुडे. थैंक यू सो मच हिना, मुझे इतना अच्छा लगा. और इसी तरह नाचते रहो, खुश रहो, एंड इन लव रहो. एंड आई होप यू डू मेक अ डिफरेंस, एंड आई होप यू डू योर प्रोग्राम. थैंक यू. यहाँ से शुरुआत हो आपके अपने नए प्रोग्राम की, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नो, थैंक यू, थैंक यू. मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, एंड आई विल से इट अगेन टुडे, कि मैंने जब पहली बार आपको देखा था इंटरकॉन में, अम्मी आपसे मिलने आई थी, एंड आई वॉज विद हर, एंड आई वॉज लाइक in awe. Your mama is so beautiful. She had such an amazing soul. Or I don't know, every time I think I told you कि जब भी वो मिलती थी ना, ऐसे मिलती थी कि जैसे वो मेरे लिए ही सोच रही थी. वो आपको बहुत प्यार करती थी. हाँ, बहुत प्यार करती थी. इतने प्यार से मिलती थी, and I could never, because I remember एक मेले में हम मिले थे बहबूत का, और वो इंटरनेशनल वेमेंस क्लब के अंदर, और एवरी टाइम आई मेट हर, वो शी मेट मी एज इफ कि जैसे वो अभी अभी मेरा ही, मेरे लिए फिक्रमंद थी, या मेरे बारे में सोच रही थी, या मेरे बारे में कुछ कह रही. शी हैड दैट क्वालिटी दैट शी मेड यू फील स्पेशल. बट आई रिमेंबर मीटिंग यू देन, और उसके बाद इंटरव्यू तो आपका किया, लेकिन जो मेरा ड्रीम कम ट्रू था, दैट वॉज शहरज़ाद. वी वर्क टुगेदर एंड
what a beautiful project, I think. Very nice. Actually, वो सारे projects बहुत अच्छे थे. वो एक दौर था जिसमें दुर्रशवार, शहरेज़ाद, ज़िंदगी गुलज़ार है, मेरी ज़ात ज़रा है बेनिशा. ये वो सारे projects थे. Even the one we were not acting together in that, इश्कुमशुदा. जी. हम लोग इकट्ठे नहीं थे उसमें. बिल्कुल. है ना, हमारा कोई सीन नहीं. कोई सीन इकट्ठे. But ये वो सारे projects थे उमेरा के. I think लाजवाल है. लाजवाल है ना. और हमें unforgettable. हाँ, लेकिन मेरे लिए unforgettable था आपके साथ होना. And today is another unforgettable meeting. Thank you so much. No, thank you. Thank you. Thank you. Bless you. Bless you too.